तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आर्नोल्ड ने आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया था सर्जियो ओलिवा को हराने के लिए, और उस वक्त के बाद आर्नोल्ड कभी भी नहीं हारे सर्जियो से। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्जियो उस वक्त पे आर्नोल्ड के सबसे बड़े चैलेंज हुआ करते थे। 1970 के मिस्टर वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट के अंत पे आर्नोल्ड और सर्जियो का मुकाबला हो रहा था, जहाँ पर सर्जियो ओलंपिया चैंपियन थे। आर्नोल्ड केवल 23 वर्ष के बॉडी बिल्डर थे। मुकाबला इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा नजदीक था कि जजेस भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको जीत घोषित करनी चाहिए। घंटे लग गए थे पोजिंग करवाते हुए। तो आर्नोल्ड ने सर्जियो को ये बोला कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं और अब बहुत हो चुका है और हमें बैकस्टेज वापस जाना चाहिए। तो सर्जियो ने आर्नोल्ड की बात मानकर बैकस्टेज की ओर चल दी है। आर्नोल्ड बड़ी चलाकी से पीछे मुड़कर फैंस की तरफ पोजिंग करना शुरू हो गए और इस चीज ने जजेस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आर्नोल्ड को विजेता घोषित करना चाहिए। और उसी इंसिडेंट के कुछ हफ्तों के बाद आर्नोल्ड ने अपना पहला ओलंपिया टाइटल जीत लिया था और आर्नोल्ड उस वक्त के बाद कभी भी सर्जियो ओलिवा से नहीं हारे। तो आर्नोल्ड ने सही किया नहीं किया कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसी बॉडी